नमस्ते बच्चों, आज हम लोग जैव प्रक्रम का अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है मानव पाचन तंत्र। चलिए देखते हैं किस तरह से प्रोसेस होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें जो व्यक्ति कोई भी मनुष्य होता है वो भोजन करना कहाँ से स्टार्ट करता है, मुख से। ठीक है, तो यहाँ से मुख से स्टार्ट होता है। तो मुख में भोजन जब लिया जाता है तो वहाँ पर क्या होती है, लाल ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, लाल ग्रंथि में एक एंजाइम होता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम, जो कि भोजन में स्थित स्टार्च को पचाने का काम करता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भोजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो किस किस रूप में टूटती हैं। चलिए मैं आपको पहले ये समझाती हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहले भोजन में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट देखें। क्या देखें, कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो काय में टूटेगा, आपका ग्लूकोज में। मतलब सबसे छोटी इकाई पाचन में, जो जटिल अणु है उनका सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाता है, पाचन। हम जटिल भोजन जब करते हैं तो वो कैसा रहता है, जटिल। अब उसे हमें सरल अणुओं में टूटना है। कार्बोहाइड्रेट ये है जटिल, वो सरल में सबसे, जब उसका पूरी तरह से पाचन हो जाएगा तो वो खाने में टूट जाएगा, ग्लूकोज। इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, प्रोटीन। तो प्रोटीन स्टार्टिंग में जैसे हम दाल लेते हैं तो वो एक जटिल अणु है और उसका जब पूरी तरह से पाचन हो जाएगा तो वो काय में टूट जाएगा, अमीनो अम्ल। काय में टूटेगा, अमीनो अम्ल। ठीक है, इसी तरह से जो वसा होता है वो टूटेगा, आपका वसीय अम्ल, वसीय अम्ल। तो ये मेन चीजें होती हैं जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये है जटिल अणु और वो काय में टूट जाते हैं, सरल अणु। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसी में ही एक चीज होती है, स्टार्च। भोजन करते हैं तो भोजन में आप रोटी लेते हो तो रोटी में क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है जो कि रोटी के रूप में होता है। जब आपने भोजन के रूप में उसे ग्रहण किया रोटी को तो वो क्या है, स्टार्च। अब हम कहाँ पर जाएंगे, लाल ग्रंथि। यहाँ पर मुख में जैसे ही भोजन जाएगा तो यहाँ पर क्या होती है, लाल ग्रंथियाँ होती हैं। लाल ग्रंथियाँ क्या करती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है यानी आपने रोटी ली उसमें क्या होता है, स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है, वो उसको पचाने के लिए इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। वो टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है, उस भोजन को काय में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, ग्लूकोज में। फॉर एग्जाम्पल, जब आप रोटी को बहुत देर तक चबाते रहेंगे तो वो क्या होता है, उसका स्वाद बहुत देर तक चबाने पर मीठा हो जाता है। क्यों, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो पूरी तरह से काय में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। ठीक है, तो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम मुख में टाइलिन एंजाइम करता है। ठीक है, अब भोजन का जब हमने चबा लिया अच्छे से, उसके बाद ये जो आहार नाल है, आहार नाल के माध्यम से वो भोजन कहाँ पर पहुँचता है, आवाशय। कहाँ पर पहुँचेगा, आमाशय। ये आपको दिख रहा है, ये आपका ये आमाशय होता है। आमाशय में यहाँ से नलिका से होता हुआ यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, नलिका चिकनी होती है जिसके भोजन जो होता है लाल ग्रंथि में क्या हो जाता है, चिपचिपा और चिकना हो जाता है, जिससे नाल इस नलिका से आसानी से वो फिसल कर कहाँ पर आ जाता है, आमाशय में आ जाता है। आमाशय में ये होता है, आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर चारों तरफ एक अम्ल स्त्रावित होता है, HCl। ठीक है, HCl होता है और इसमें ये कैपेसिटी होती है कि HCl, वैसे नॉर्मली आप हाथ लगाओगे तो स्किन जल सकती है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी जो कवर होता है, लेयर होती है, वो उस HCl के लिए क्या होती है, पूरी तरह से सुरक्षित रहती है, HCl का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो HCl होता है वो भोजन को क्या करता है, अम्लीय बना देता है। कैसा बना देता है, अम्लीय। और यहाँ पर भोजन का क्या होता है, पूरी तरह से पाचन होता है। मीन्स जो जटिल अणु है, मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट काय में टूटता है, ग्लूकोज में प्रोटीन टूटता है, अमीनो अम्ल में वसा टूटता है, वसीय अम्ल में। तो यहाँ पर इन चीज़ों का क्या किया जाता है, पाचन करने का काम किया जाता है और यहाँ पर भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। कैसा हो जाता है, अम्लीय। ओके, अब भोजन कहाँ पर जाता है, यहाँ से देखिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यकृत। यकृत में यहाँ पर पित्ताशय होता है, वहाँ से यहाँ पर जैसे ही नीचे आएगा भोजन तो यहाँ से पित्ताशय से कौन सा रस स्त्रावित होगा, पित्त रस। ठीक है, तो पित्त रस क्या करता है, यहाँ से जो अम्लीय भोजन आया है उसको क्या कर देता है, पित्त रस क्षारीय होता है और क्षारीय होने के कारण वो भोजन को कैसा बना देता है, क्षारीय बना देता है। अब अम्लीय था पहले भोजन का, अम्लीय माध्यम में जितना पाचन होना था हो चुका, उसके बाद भोजन जब इधर आएगा तो वो क्या हो जाता है, क्षारीय में कन्वर्ट हो जाता है।
और छारी में कन्वर्ट होते होते अब वो पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है, वसा जो है वो वसीय अम्ल में टूट जाता है। अब जब वो पूरी तरह से पाचन हो जाता है तब वो आता है छोटी आंत में। ये आपको दिख रहा है यहाँ से जो नली है, यहाँ से ये जो है पूरा छोटी आंत होता है, इस छोटी आंत में भोजन आ जाएगा पचा हुआ। अब यहाँ पर पूरी तरह से भोजन पच चुका है, ठीक है। अब जब पूरी तरह से यानी ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में हो गया है, वसा वसीय अम्ल में हो गया है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो छोटी आंत होती है इसमें इस टाइप के मुलाम पोर होते हैं, इसके माध्यम से जो छोटी आंत है यहाँ से इस टाइप के जो ये संरचनाएँ बनी होती हैं इसके माध्यम से छोटी आंत में भोजन जो होता है जो पूरी तरह से पच चुका है वो जाता है रक्त। कहाँ पर पहुँच जाएगा? रक्त में। जो पचा हुआ भोजन है, सरल अणु जो है छोटी आंत से कहाँ पर पहुँच जाते हैं, उन नलिकाओं के माध्यम से बाहर निकलेंगे और रक्त में पहुँचेंगे, और रक्त के माध्यम से वो जो ग्लूकोज है वो पूरी हर एक कोशिका में, हमारा शरीर कैसे मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से, तो हर एक कोशिका में उस ग्लूकोज को, उस अमीनो अम्ल को, उस वसी अम्ल को पहुँचाने का कार्य किया जाता है। ये कौन करता है? रक्त। तो इस तरह से जो भोजन होता है उसको कहाँ पहुँचा दिया जाता है? हर एक कोशिका में पहुँचा दिया जाता है। अब बात करें जो चीज़ें पची नहीं हुई हैं, है ना, एक होता है पचा हुआ भोजन, वो तो शरीर के हर एक कोशिका में पहुँचा दिया जाएगा, और जो अनपचा भोजन होता है उसको क्या किया जाता है, ये आपको दिख रही है, ये होती है बड़ी आंत। कौन सी आंत है? बीच में जो दिख रही है वो है छोटी आंत, और ये जो आपको चारों तरफ दिख रही है वो क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? अंतःग्रहण। तो अंतःग्रहण में क्या किया जाता है? मुख द्वारा क्या किया जाता है? भोजन को ग्रहण किया जाता है। दूसरी बात आती है पाचन की, तो पाचन में क्या किया जाता है? जो जटिल अणु होते हैं उनको काय में तोड़ दिया जाता है, सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, वसा को वसीय अम्ल में। उसके बाद में फिर क्या किया जाता है? जो पचा हुआ भोजन है उसे छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अवशोषण, तीसरा पॉइंट क्या हो गया? अवशोषण। पहला क्या था? पहला मैंने आपको बताया अंतःग्रहण, अंतःग्रहण मीन्स ग्रहण करना भोजन को मुख के द्वारा। दूसरी चीज क्या हो गई? पाचन, पाचन मीन्स जटिल अणुओं को काय में तोड़ देना, सरल अणुओं में तोड़ देना। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, बता भी दिया मैंने किस किस में क्या क्या टूट रहा है। तीसरा है अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है? जो भोजन पच गया है, सरल अणुओं में टूट गया है, उसको यहाँ पर छोटी आंत के द्वारा क्या कर लिया जाता है? रक्त के माध्यम से हर एक कोशिका में अवशोषित कराया जाता है। चौथा पॉइंट जो होता है वो होता है आपका स्वांगीकरण। अब आप स्वांगीकरण आप मीन समझ रहे हैं इसका क्या होता है? स्वांगीकरण मीन्स होता है रक्त के माध्यम से पचे हुए भोजन का कोशिका के अंदर जाना, प्रत्येक कोशिका के अंदर जाना और ऊर्जा को उत्पन्न करना। मैं श्वसन आपको समझाई हूँ लास्ट क्लास में, जब मैंने समझाया था तो उसमें श्वसन के लिए हमको क्या चाहिए रहता है? ग्लूकोज भी चाहिए रहता है। तो वो ग्लूकोज किसके माध्यम से पहुँच रहा है? छोटी आंत के माध्यम से। तो हर एक कोशिका में किसका पहुँचना? वो जो ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज का हर प्रत्येक कोशिका में पहुँचना और वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या उत्पन्न करना? ऊर्जा उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसको स्वांगीकरण कहते हैं। समझ में आया? हर कोशिका में होती है, हमारा शरीर पूरा काय से मिलकर बना हुआ है कोशिकाओं से, तो कोशिका में क्या जा रहा है? ग्लूकोज जा रहा है, ये पचा हुआ, और उसके साथ में ऑक्सीजन, हम जब सांस ले रहे हैं तो क्या जा रही है? ऑक्सीजन जा रही है। ये दोनों क्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसके लिए मैंने जो श्वसन वाली जो टॉपिक समझाया था जिस क्लास में, उसमें आप देखिएगा किस तरह से वो रिएक्शन हो रही है। तो इस तरह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण, जिसके फलस्वरूप हम कोई भी कार्य कर पाते हैं, ओके। और लास्ट जो है बहिक्षेपण, क्या बोलते हैं हम? बहिक्षेपण मीन्स होता है अनपचा जो भोजन होता है वो बड़ी आंत के द्वारा क्या कर दिया जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये पांच टॉपिक हैं, इन्हें आप अच्छे से समझ लें। अब हम इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं बताती हूँ आपको ग्रंथियों के बारे में, ठीक है। चलिए ओके, अब हम देखते हैं आप इसी में ही अगला टॉपिक, पाचक ग्रंथियाँ। हमने जो अभी मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ा उसमें हमने तीन ग्रंथियाँ यूज होती हैं जिनके द्वारा भोजन का पाचन। सबसे पहले है लार ग्रंथि, दूसरी है यकृत और तीसरी है अग्नाशय, है ना। ये जो होते हैं ये ही मेन रोल अदा करते हैं किसी भी भोजन को पचाने।
सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लाल ग्रंथि की। लाल ग्रंथि में दो चीजें होती हैं, दो एंजाइम्स होते हैं, एक होता है श्लेष्मा और दूसरा होता है टाइलम। श्लेष्मा क्या होता है, श्लेष्मा का यूज भोजन को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। जो चिपचिपा पदार्थ हमारे मुंह से निकलता है वो किसके कारण निकलता है, श्लेष्मा के कारण, जिससे कि भोजन आगे बढ़ सके और अपने आवाशय तक पहुँच सके। जो टाइलिन होता है, टाइलिन क्या करता है, जटिल अणु कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च को काय में तोड़ देता है, स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा पहली चीज़ क्या हो गई, लाल ग्रंथि के बारे में, इसमें दो एंजाइम्स होते हैं। दूसरी बात करते हैं हम यकृत की। यकृत आपने डायग्राम में देखा कहाँ पर होता है, यहाँ पर ये आपको यकृत दिख रहा है। जो यकृत होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी है, यकृत। ओके, तो जो यकृत होता है, एक चीज़ और बता दें आपको, यकृत ही हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जिसमें रीजनरेशन का गुण होता है। रीजनरेशन मीन्स अगर आधा यकृत, किसी का यकृत खराब हो गया, आप किसी को डोनेट कर देते हैं, तो ये जो आगे आधा यकृत होता है वो वापस से रीजनरेशन की प्रोसेस के फलस्वरूप वापस से पूरा यकृत में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ होती है यकृत की। तो ये जो यकृत होता है ये भी एक पाचक, मतलब इसके द्वारा क्या होता है, इसमें कौन सा होता है, पित्ताशय होता है। पित्ताशय से कौन सा रस स्त्रावित होता है, पित्त रस। ओके, तो क्या होता है, जब भोजन, मैंने आपको बताया था जो आमाशय होता है उसमें भोजन को क्या बनाया जाता है, अम्लीय। तो यहाँ पर जो पित्त रस होता है उस भोजन की अम्लीयता को क्या कर देता है, कम कर देता है। ओके, तो इसका मेन काम क्या होता है, पित्ताशय में जो पित्त रस होता है वो जो भोजन होता है उसकी अम्लीयता को कम करना। ओके, क्षारीय वो अग्नाशय कर देगा उसको, यहाँ पर अग्नाशय है, उससे जो इंसुलिन होता है यहाँ पर वो पूरी तरह से भोजन को क्षारीय कर देगा, लेकिन अम्लीयता को कम करने का काम कौन करता है, पित्त रस करता है। ओके, इसके अलावा ये क्या करता है, भोजन के माध्यम से कुछ जो जीवाणु वगैरह भी आ जाते हैं उनको भी नष्ट करने का काम करता है। इसके अलावा यकृत का ये भी कार्य होता है वसा के संचय करने का, मीन्स आपने जितना आवश्यक था उतना ग्लूकोज तो आपने ग्रहण कर लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है उसको ये यकृत क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। जब आप कभी व्रत रखते हैं, सपोज दैट किसी कारण से आपने भोजन नहीं खाया है, तो उस समय ये जो यकृत में जो ग्लाइकोजन है वो पुनः काय में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और फिर क्या किया जाता है, वो एनर्जी देने का काम करता है। क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एक तरह से एक पेट्रोल का कार्य कर रहा है हमारे शरीर के लिए, तो वो ग्लाइकोजन पुनः काय में परिवर्तित हो जाएगा ग्लूकोज में, और पुनः हमको ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी। ठीक है, तो ये काम हो गया। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, जो हमारे शरीर में हानिकारक अमोनिया होती है उसको यूरिया में परिवर्तित करने का काम भी कौन करता है, यकृत करता है। आगे आपको समझ में, ये यकृत के कार्य हैं, अलग से भी पूछे जा सकते हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी अग्नाशय की, लास्ट है। अग्नाशय जो तीसरी ग्रंथि होती है, यहाँ तक पहुँचने के बाद भोजन पूरी तरह से पच चुका होता है और फिर वो जाएगा छोटी आंत में और वहाँ से अवशोषित कर लिया जाएगा। तो अग्नाशय जो होता है ये यू आकार का होता है। किस आकार का होता है, यू आकार का होता है। और इस अग्नाशय में इंसुलिन नामक हार्मोन्स होता है। कौन सा हार्मोन्स होता है, इंसुलिन। डायबिटीज़ हो जाती है किसी भी व्यक्ति को, तो वो डायबिटीज़ होती किस कारण से, यहाँ पर इंसुलिन प्रिपेयर नहीं हो पाता, तो व्यक्ति को क्या हो जाती है, डायबिटीज़। क्यों, क्योंकि ये जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित यही करता है। अब कभी आपने भोजन ज़्यादा ग्रहण कर लिया और यहाँ पर इंसुलिन अगर स्त्रावित ही नहीं हो रहा, तो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित नहीं हो पाएगी और व्यक्ति को फिर घबराहट होने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे। इसीलिए वो डायबिटीज़ वाले व्यक्तियों को यही अलग से इंजेक्शन लगाया जाता है, वो इंसुलिन का ही होता है। क्यों, क्योंकि उनके शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई होती है जिसके कारण वो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाते। तो ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण जो करता है वो अग्नाशय में उपस्थित इंसुलिन होता है। और यहाँ पर भोजन आने के बाद पूरी तरह से क्षारीय हो चुका होता है। अब भोजन पूरी तरह से पच चुका है, उसके बाद वो छोटी आंत से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यदि आपसे पाचक ग्रंथियाँ पूछी जाए तो आपको इन तीनों का ही वर्णन करना, अलग अलग कार्य भी पूछे जा सकते हैं। आज